30 दिसंबर को होने वाले पंचायती चुनावों को लेकर मोगा जिले में पुख्ता पूरे कर लिए गए हैं। वहीं इन चुनावों में जिले के 341 गांव के सरपंचों और पंचों को भी चुना जाएगा। सर मोगा 341 पिंडां दी की पिछले सुरे दे देखो जी, जिला मोगा 341 ग्राम पंचायतां है और 648 पोलिंग बूथ जिहड़े बनाए गए। तो जित्थे तक वोटरां दा सवाल है, 550,441 वोटर है मोगा जिला दे विच। तो ये वास्ते सारे जिहड़े इंतजाम पुख्ता प्रबंध किए गए, राज चोण कमिशन की निगरानी हेठ यह सारी कार्रवाई चल रही है। तो कल जिहड़ा नॉमीनेशन लैण दा प्रोसैस जिहड़ा वो मुकम्मल हो चुका है, अज नामजदगियां दी पड़ताल है। तो जित्थे तक नॉमीनेशन आउण दा सवाल है, वो सरपंचां दे साडे कोल 1410 और मैंबर पंचायत जिहड़े 5476 जिहड़े नॉमीनेशन कल तक दाखिल होए सीगे। तो अगे कल जिहड़ा है वापसी का दिन है, तो विड्रॉल तो बाद जिहड़ी फाइनल कंटेस्टिंग कैंडीडेट्स की साडे कोल जिहड़ी फिगर जिहड़ी आ जाणी। 30 दिसंबर नूं चुनावां नूं लैके पुलिस प्रशासन वल्लों की जिला मोगा दे प्रबंध किए गए? जिला पुलिस मोगा वल्लों पंचायती इलैक्शन दे जिहड़े आ पूरे प्रबंध किए गए ने। चोणां नूं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार कराउण लई पुलिस वल्लों हर तरीके की जिहड़ी आ सिक्योरिटी ध्यान में रखा जा रहा, और चोणां दे प्रोसैस नूं शांतिपूर्वक सिरे चढ़ाउण लई हर तरीके की जिहड़ियां तैयारियां मुकम्मल कर लई गईआं ने। मैं तुहाडे माध्यम राही आम पब्लिक नूं वी इह मैसेज देना चाहांगा कि वह इन्हां चोणां दे विच वध तों वध भाग लैण, अफवाह दे विच बिल्कुल ना आउण, और चोण प्रोसैस नूं जिहड़ा शांति नाल ते अमनपूर्वक तरीके नाल जिहड़ा इह सिरे चढ़ाउण, किसी भी तरह की जिहड़ी आ शरारत जिहड़ी इन्हां चोणां दे विच बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और जिहड़े कोई शरारती अंसर जां क्रिमिनल ने उहनां नूं जिहड़ा सख्ती नाल जिहड़ा नजिठिया जाएगा। मैं सारे लोगों को बेनती करूँगा कि वो वध तों वध इन्हां चोणां दे विच भाग लैण, जिहड़ी डिस्ट्रिक्ट की जिहड़ी आ शांति ते सुरक्षा इहदा उहनूं बनाई रखण। कुछ सेंसिटिव बूथ वगैरह भी है जिले दे विच, कुछ वैरी सेंसिटिव बूथ भी साढ़े हैगे ने, उन्हां लोकेशनां ते असीं लोड़ मुताबक इहदे सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, और किसी भी तरह की जिहड़ी आ कोई उत्थे अणसुखावी घटना जिहड़ी असीं नहीं वापरन देवांगे, ते सारे जिहड़े आ सुरक्षा नूं मद्दे नज़र रखदे हर तरीके दे जिहड़े प्रबंध असीं कीते हैं। मोगा से हरपाल सिंह की रिपोर्ट। ये थी इस समय की बड़ी खबर। समय समय पर अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए यस टीवी।